So, hello friends, welcome to One About Study channel. In this video, we will discuss disorder of digestive system. So, there are basically five disorders given in this page, and in the next page, there are two disorders which are given, and those two disorders are caused by protein energy malnutrition. Okay, so I think there are two disorders which are caused by protein energy malnutrition, and those disorders are marasmus and kwashiorkor. Okay, so basic differences in dono mein. Okay, so halaki ये चैप्टर इस साल के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड. द इन्फ्लेमेशन, आई थिंक वो दो डिसऑर्डर भी सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, पर हम पढ़ेंगे. द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन होती है इंटेस्टाइनल ट्रैक में, वो कॉमन एलिमेंट है. एलिमेंट मतलब बीमारी कॉज बाय बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन. ओके, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है वो, ठीक है. मतलब इन्फ्लेमेशन जलन जो होती है इंटेस्टाइनल ट्रैक पे, वो बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है. और इन्फेक्शियस एजेंट कौन हो सकते हैं इंटेस्टाइन में? टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म. ये सब मिला के मैं बोलूँ तो ये सब हैं मेरे एस्केल्मिंथेस, ठीक है. क्या है? एस्केल्मिंथेस, ठीक है. तो ये सब हो गए हमारे एस्केल्मिंथेस. इसमें राइटिंग समझने लायक नहीं आती, ठीक है. एस्केल्मिंथेस, तो ये राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म और थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, इन सबको खाना मिलता है एस्केल्मिंथेस में. एस्केल्मिंथेस को खाना मिलता है किसमें? इंटेस्टाइनल ट्रैक में. दैट्स व्हाई दे चूज टू लिव देयर. ओके, तो इस वजह से वो वहाँ रहते हैं और एंडोपैरासाइट की तरह काम करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज जॉन्डिस. जॉन्डिस जो होता है उसे हिंदी में पीलिया कहते हैं. इससे कि लिवर अफेक्ट हो जाता है और स्किन, आई और ये सब येलो हो जाते हैं. स्किन, आई, स्काल्प, सर जहाँ से बाल निकलते हैं वो भी, इवन वो भी येलो हो जाते हैं. ओके, सो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बायल पिगमेंट विच इज नोन एज बिलीरुबिन एंड बिलीरुबिन, ठीक है. बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है. बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है. बिलीरुबिन का अमाउंट क्या होता है? बढ़ जाता है. वॉमिटिंग, वॉमिटिंग जो होती है बिलीरुबिन, और एक और होता है बिलीबर्डिन, वो भी उसका भी बढ़ सकता है, ठीक है. ये दोनों हीमोग्लोबिन के डैडी हीमोग्लोबिन से बनते हैं. इनको उनको उनका सफाई करके ये दोनों बनते हैं, तो इनका अमाउंट ब्लड में कम होना चाहिए. अगर ब्लड में बढ़ गया इनका अमाउंट, तो मान लो आप कि आप जॉन्डिस से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है. सो वॉमिटिंग, वॉमिटिंग इज द नेक्स्ट डिसऑर्डर. वॉमिटिंग, इट इज़ एजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, ठीक है. स्टमक कंटेंट का अगर को आप इजेक्ट कर रहे हो थ्रू माउथ, देन यू मे बी सफरिंग फ्रॉम you are suffering from vomiting. This reflex action, ये reflex action होता है, हमारे control में नहीं होता. ओके, इज कंट्रोल बाय वॉमिट सेंटर इन मेडुला. मेडुला पीछे होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पर. स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, ठीक है. अ फीलिंग ऑफ नॉजी, नॉजी मतलब जो होती है ना पहले, क्या कहते हैं उसे, जी मचलाना. सो वो वॉमिटिंग से पहले आता है, ठीक है. अब होता नहीं है कुछ केयर, वो अनसिविलाइज हरकतें हो जाएंगी फिर, ठीक है. वी आर डिसेंट, तो वैसी आवाज़ नहीं निकालूंगा मैं, आपको तो पता है कैसी आवाज़ आती है ऑडियो करते टाइम. ओके, डायरिया, डायरिया जो होता है वो उसे हम कहते हैं, उसका एस्केलेटेड स्टेज होता है हमारा डायजेंट्री. ओके, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया. तो एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट, इंक्रीज लिक्विडिटी फीकल मैटर की, तो उसे हम कहते हैं डायरिया, ठीक है. इससे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या होगा? कम हो जाएगा. अब नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? जो फीसेस होते हैं हमारी मतलब वेस्ट मटेरियल, वो कॉलन में ज़्यादा देर के लिए रुक जाता है, ठीक है. रिटेन विद इन द कॉलन, रिटेन मतलब रहना, ठीक है. कॉलन में ज़्यादा देर के लिए रह जाता है, और क्योंकि बाउल मूवमेंट जो होता है वो इरेगुलर होता है, तो उस समय वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो कुछ ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, इसलिए वजह फीसेस कैसे हो जाते हैं? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. सॉलिड में कन्वर्ट होने की वजह से वो पेट में दर्द करते हैं, ठीक है. उसी कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं. बहुत दर्द होता है इसमें, इसी की वजह से तो कहते हैं टहलना चाहिए खाना डाइजेस्ट करने के लिए. ओके, तो नीचे भी उतरना चाहिए खाना. तो कॉलन में रह जाता है, इसकी वजह से वो सॉलिड बन जाता है. सॉलिड बनने की वजह से, सॉलिड किसकी वजह से बनता है? क्योंकि वहाँ से बाउल मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है. बाउल मूवमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से बाउल मूवमेंट, पता है ना, जो फीसेस निकालने, वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए जो मूवमेंट होते हैं उसे बाउल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है. सो इंडाइजेशन, इंडाइजेशन जो होता है वो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस. फुलनेस की फीलिंग होती है इसमें, मतलब सब कुछ खा लिया भाई, अब खाने की इच्छा नहीं कर रही, वैसे वाली फीलिंग होती है, ठीक है. द
कॉज ऑफ इंडाइजेशन इज इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग से भी हो जाता है, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड से भी हो जाता है इवन. ओके, सो दीज आर द रीजन बिहाइंड इंडाइजेशन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन. ओके, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज में मिलाता है, ठीक है. अंडर डेवलप कंट्री थी, प्रोटीन से डिफिशेंसी, इनकी डाइट में प्रोटीन की डिफिशेंसी थी. ओके, एंड फूड कैलोरीज की भी इनमें डिफिशेंसी थी, ठीक है. तो साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका जो था वो इन सब से सफ़र किया था, ठीक है. साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, ये सब इन बीमारियों से सफ़र कर रहे थे. ओके, सो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन जो है वो मे अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ड्रॉट, फैमिन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है. तो इन सब चीज़ों के दौरान पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है. एक होता है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट, मतलब एक होता है ए वाला अफेक्ट, अफेक्ट मतलब बुरी तरह से किसी को मतलब इन्फ्लुएंस करना, ठीक है. सो दिस हैपेंड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में हुआ था, कहाँ, कब, लिबरेशन वॉर के समय, लिबरेशन मतलब आज़ादी के वॉर के समय, और इन इथियोपिया ड्यूरिंग द सर्व ड्रॉट इन द मिड 80s. इथियोपिया के समय भी हुआ था, मुझे नहीं पता इथियोपिया क्या है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड टर्म है इथियोपिया, क्योंकि इसमें डेट भी आ गई है मिड 80s. ओके, सो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ. इंपॉर्टेंट क्या, क्वाशियोकर और मैरास्मस, ठीक है. तो पीएम अफेक्ट इन्फेंट एंड चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मैरास्मस एंड क्वाशियोकर, ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मैरास्मस जो है वो इस प्रोड्यूस बाय साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की डिफिशियंसी हो जाती है उसमें, ठीक है. इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट लेस देन वन ईयर ऑफ एज, इन्फेंट जो कि वन ईयर ऑफ एज मतलब एक साल से कम की एज के हैं वो इस डिसीज से सफ़र करते हैं, ठीक है. मतलब अगर मदर का मिल्क जल्दी रिप्लेस कर दिया गया कुछ और फूड से, मतलब मम्मी का अगर दूध नहीं पिया बच्चे ने और उसे जल्दी जल्दी ही कोई दूसरा खाना दे दिया, मतलब मिनिमम एक टाइम होता है जब तक बच्चे को मम्मी का दूध पीना चाहिए, फिर बाद में उसको दूसरा खाना खाना चाहिए. अगर जल्दी मम्मी का दूध छुड़वा दिया तो और ऐसा खाना खिलवा दिया जो कि प्रोटीन और कैलोरिक वैल्यू में बहुत कम है, कमज़ोर है, पुअर है, तो उस कंडीशन में मैरास्मस अराइज होती है, ठीक है. जैसे तो अगर मदर की सेकेंड प्रेगनेंसी है और उस केस में ये ज़्यादा होता है. अब सेकंड प्रेगनेंसी का टाइम भी तो देख लो भाई. सेकंड प्रेगनेंसी कब, जब पहला वाला बच्चा बहुत छोटा हो. मान लो कोई बच्चा है 5 साल का, उसका भाई है 6 साल का, तो जो उसका भाई 5 साल का हो, 6 साल का होगा, उसको वो मैरिज से सफ़र कर सकता है, ठीक है, बड़ा वाला भाई, क्योंकि उसका जल्दी उसका मदर ब्रीस्ट फीडिंग जल्दी छूट गई होगी उसकी, ठीक है. तो इस केस में बच्चे जो हैं वो मैरास्मस से सफ़र कर जाते हैं. ओके, सो इन मैरास्मस प्रोटीन डिफिशियंसी इंपेयर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपेयरमेंट ऑफ द टिश्यू. सो इस मैरास्मस में जो ग्रोथ होती है और टिश्यू रिप्लेसमेंट होते हैं प्रोटीन के, वो इंपेयर हो जाते हैं, मतलब वो खराब गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है. एक्सट्रीम एमेसिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ द लिम्स, मतलब हाथ पैर पतले हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी का एमेसिएशन हो जाता है, ठीक है. द स्किन बिकम्स ड्राई, स्किन ड्राई हो जाती है, थिन हो जाती है और रिंकल हो जाती है, ठीक है. ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, ग्रोथ रेट और बॉडी वेट जो होता है वो डिक्लाइन हो जाता है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है ब्रेन की, मेंटल फैकल्टीज वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वैसे ही रिटार्ड हो जाएगा. ओके, क्वाशियोकर में देखते हैं, क्वाशियोकर में क्या है. क्वाशियोकर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डिफिशियंसी होती है, और ये कितने साल के बच्चों में होती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है, कैलोरी की डिफिशियंसी से नहीं होती, अनअकम्पनीड बाय द कैलोरिफिक डिफिशियंसी, कैलोरी डिफिशियंसी. सो ये होती है 5 ईयर्स इससे ज़्यादा एज के बच्चों में, और मैरास्मस होती है वन ईयर न्यू बॉर्न बेबी में होता है ना. इसमें किसकी डिफिशियंसी होती है मैरास्मस में, प्रोटीन प्लस बस इसकी लिख दे रहा हूँ मैं, इसमें प्रोटीन की होती है पी ओनली, ठीक है, प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है. और इट रिजल्ट इन रिप्लेसमेंट ऑफ, तो अगर मम्मी के जो मदर का मिल्क है उसको रिप्लेस कर दिया किसी ऐसे फूड में जो कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू से बना हुआ है और लो प्रोटीनिशियस है, ठीक है, मतलब प्रोटीन उसमें बहुत कम है पर कैलोरीफिक वैल्यू ठीक है उसकी, तो उस कंडीशन में क्वाशियोकर होता है. इसमें भी क्या होता है मैरास्मस की तरह मोर देन वन ईयर ऑफ एज, तो ये
उन बच्चों में जो बच्चे 4 साल के एज के हैं, मतलब 1 से लेकर 5 साल के एज तक के बच्चों में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अंडर 1 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और ये क्या क्वेश्चन होगा, 1 से लेकर 5 साल के बच्चों तक होता है, ठीक है, 1 से लेकर 5 साल के बच्चों तक। सो मरेसमस की तरह क्वेश्चन वर्कर में भी वेस्टिंग ऑफ मसल्स होती है, मतलब मसल्स पतली हो जाती होती हैं, थिनिंग ऑफ लिम्स होती हैं, मतलब हाथ पैर पतले हो जाते हैं, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल रिटार्डेशन भी होता है इसमें, ठीक है। बट अनलाइक मरेसमस, सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन एंड एक्सटेंसिव इडिमा, वेरी इंपॉर्टेंट, इडिमा वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है, इडिमा वाली कंडीशन आएगी यहाँ, ठीक है। सो इडिमा वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इडिमा मतलब वाटर रिटेंशन बीनीथ द स्किन, ओके, अंडर द स्किन। सो अगर वाटर पर्जिस्ट कर रहा है, ये वाटर या तो फिर फैट पर्जिस्ट कर रहा है स्किन के नीचे, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम इडिमा, ठीक है। तो मोटा मोटा लगता है थोड़ा सा, इससे बॉडी थोड़ी मोटी मोटी लगती है, पर असर में उसमें जान नहीं होती है, ठीक है। सो स्वेलिंग वाली बॉडी पार्ट ऑफ सीन, तो इससे बॉडी स्वेल मतलब फुली फुली दिखती है, ठीक है। स्वेल मतलब तो वैसे तो सीलन होती है, ओके। सो ये हालत हो जाती है आपकी क्वाशियोरकर में, ठीक है। क्वाशियोरकर का मतलब पिकुलियर पॉइंट में कहूँगा कि इसमें इडिमा दिखती है, इडिमा वाली कंडीशन, और बाकी सब सेम है, थिनिंग ऑफ लिम और फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटल रिटार्डेशन वगैरह। सो इसमें क्या होता है, इडिमा वाली कंडीशन दिखती है, इडिमा। एक तो इसमें मेरा हाथ नहीं चलता है, ठीक है। सो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है वो खत्म होता है, हमारी वीडियो भी खत्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना, एक इनकरेजमेंट मिलती है, ओके। सो बाय, थैंक यू। Thank you.